हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया आईपीसीसी ग्रुप वन पेपर थ्री से, जो कि है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उसमें मैंने आपको बताया कि ये आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, उसमें से 50 मार्क्स होंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के और 50 मार्क्स होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। 100 मार्क्स के लिए आपको दो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग अपने आप में एक सब्जेक्ट है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। तो आपको 100 मार्क्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली 200 मार्क्स का पढ़ना है, और ये पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहो कि थोड़ा सा कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लें, थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लें, पेपर क्लियर कर लेंगे, ऐसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यही दो सब्जेक्ट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सीए फाइनल में जाके ये दो सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, दो पेपर में डिवाइड हो जाएंगे। एक पेपर होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे, राइट? और दूसरा पेपर होगा स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे, राइट? सो उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो इन वीडियो लेक्चर्स के रिगार्डिंग, आपको कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे को एनी टाइम मेल कर सकते हैं ksjteaching@gmail.com पे। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक। आपको कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलावा भी किसी सब्जेक्ट में कोई क्वेरी है, आपको कुछ प्रोसीजर्स को लेके क्वेरी है, किसी कॉन्सेप्ट को लेके क्वेरी है, आप यू आर फ्री टू मेल मी, राइट? तो इस लेक्चर में मैं शुरू करूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग से। पहले हम कॉस्ट अकाउंटिंग को टच करेंगे, उसके बाद हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे मूव ऑन करेंगे। दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स हैं, नो नीड टू वरी। लेकिन पहले मैं कॉस्ट अकाउंटिंग को कवर करूंगा, उसके बाद मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कवर करूंगा, राइट? तो सबसे पहले ये मैंने आपको बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, ओवरहेड कॉस्टिंग एंड सो ऑन। तो सबसे पहले जो मैं शुरू करने जा रहा हूं, सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेसिक्स से, हम शुरू करेंगे बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग से। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी मैं नोट्स बनवा रहा हूं उसको साथ साथ बनाते रहिए क्लास में, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम टाइम में आपको यही नोट्स काम आएंगे। एग्जाम टाइम में आप पूरा फुल पढ़ने नहीं बैठ सकते, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होंगे उस टाइम पे। अगर आप कहो कि एग्जाम्स में मैं कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ूं, मैं क्वेश्चंस भी करूं, यू रियली कांट डू दैट, राइट? तो इसलिए जो भी पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से करना, क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना, एंड एक बार सिलेबस कवर होने के बाद एग्जाम से पहले एटलीस्ट दो बार आपको रिवाइज करना ही करना है, राइट? उससे क्या होगा कि उससे कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट? चलो शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग से। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, ये जो टर्म है ये है क्या। इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, ठीक है? मैं कहता हूं ये कॉस्ट अलग चीज है और अकाउंटिंग अलग चीज है। अकाउंटिंग आप सब लोगों को पता होगा, हम प्लस वन कॉमर्स के जो हैं स्टूडेंट्स, मोस्टली कॉमर्स के होते हैं बट आई कांट से दैट, उनको तो अकाउंटिंग प्लस वन में अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो है वो अच्छे से घोल के पिला दी जाती है कि अकाउंटिंग है क्या चीज़। रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, दिस एंड दिस एंड दिस, अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग क्या है? हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, रिकॉर्ड करनी है एंड उसमें से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालनी है। उसमें से हमें देखना है कि हमें फ़ायदा हो रहा है, हमें नुकसान या नुकसान हो रहा है बिजनेस करने में, क्या हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का, उसमें ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉस्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉस्ट क्या चीज़ है। सबसे पहले मैं लूंगा कॉस्ट क्या चीज़ है, राइट?
मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ इसके लिए। आप शॉपिंग मॉल में गए, आप अक्सर शॉपिंग मॉल में जाते हैं, सेल्स का सीजन है, आपने कहा चलो भाई सेल्स चल रही हैं, शॉपिंग मॉल चलते हैं, थोड़ा कुछ सामान लेके आते हैं, राइट। आप गए वहां पर, आप एक स्टोर में गए, आपको वहां पर जो टी शर्ट थी बहुत अच्छी लगी, राइट। आपको टी शर्ट बड़ी अच्छी लगी, आपने सेल्समैन से पूछा कि भैया इसकी क्या एमआरपी है, उसने कहा सर 1000 आफ्टर डिस्काउंट, 1000 आफ्टर डिस्काउंट। आप बड़े खुश हुए, आपने कहा वाह यार डिस्काउंट मिल रहा है, 1000 की टी शर्ट मिल रही है, बड़ी अच्छी स्टाइलिश टी शर्ट है, और मॉल में 1000 की टी शर्ट मिल रही है तो लेनी बनती है। चलो आप बड़ा खुश हुए, आपने टी शर्ट ली, टी शर्ट लेके आप घर वापस आए, राइट। आपने अपने पेरेंट्स को टी शर्ट दिखाई, जब आपने पेरेंट्स को टी शर्ट दिखाई तो नॉर्मली 99% घरों में क्या होता है, बच्चे सामान लेके आते हैं, टी शर्ट लेके आए, आपने अपने पेरेंट्स को टी शर्ट दिखाई तो पेरेंट्स का पहला क्वेश्चन क्या होगा, बेटा कितने की आई। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट क्वेश्चन द पेरेंट्स विल आस्क इज हाउ मच डज दिस टी शर्ट कॉस्ट। सबसे पहले यही पूछेंगे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस टी शर्ट। या क्या पूछेंगे, इस टी शर्ट पर कितना खर्चा करके आए हो, इस टी शर्ट पर कितना खर्चा करके आए हो, राइट। बड़े कॉमन से ये क्वेश्चन है किसी भी घर में, राइट। तो क्या होगा, आप बोलोगे कि जी 1500 का, सॉरी 1000 रुपए का, 1000 रुपए की टी शर्ट थी तो आप कहोगे 1000 रुपए का खर्चा किया, राइट। ये जो वर्ड खर्चा है, इसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, एक्सपेंस। 1000 रुपए का आप क्या करके आए हो, एक्सपेंस करके आए हो, राइट। आप मॉल में गए, आपने टी शर्ट ली, 1000 रुपए की टी शर्ट आपको बहुत अच्छी लगी, आपने टी शर्ट ले आए, पेरेंट्स ने आते पहला सवाल किया बेटा कितने का खर्चा करके आया, आपने कहा 1000 का खर्चा किया जी, 1000 की टी शर्ट थी बड़ी अच्छी लगी मेरे को, बड़ी स्टाइलिश टी शर्ट थी, 1000 की टी शर्ट ली है। तो इस खर्चे को अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो ये खर्चा क्या है, एक्सपेंस है, और मैं कहूं कि एक्सपेंस का ही अदर नाम कॉस्ट है, राइट। ये एक्सपेंस किस चीज पे किया है, टी शर्ट पे, तो ये कॉस्ट किस चीज की हुई, टी शर्ट की, यही आपकी कॉस्ट की डेफिनेशन है। अब मैं आपको डेफिनेशन दिखाता हूं क्या है, बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग, मीनिंग ऑफ कॉस्ट, इट इज एन एक्सपेंस एट्रीब्यूटेबल टू एन आर्टिकल प्रोडक्ट और एक्टिविटी। एक्सपेंस क्या है, खर्चा, 1000 रुपए का खर्चा, एट्रीब्यूटेबल टू एन आर्टिकल प्रोडक्ट और एक्टिविटी। यहां पर आपका आर्टिकल प्रोडक्ट क्या है, टी शर्ट, आप टी शर्ट पर 1000 रुपए का खर्चा करके आए हैं, दैट इज द कॉस्ट, दैट इज योर कॉस्ट, आपके लिए क्या है, वो आपकी कॉस्ट है, आपका एक्सपेंस है, आपका खर्चा है, राइट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, इट इज एन एक्सपेंस एट्रीब्यूटेबल टू एन आर्टिकल। एक्सपेंस 1000 है, एट्रीब्यूटेबल टू एन आर्टिकल मीन्स किस चीज पे वो हम एक्सपेंस कर रहे हैं, हम टी शर्ट पे 1000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो हमारा आर्टिकल प्रोडक्ट क्या हो गया, टी शर्ट, दैट इज कॉस्ट फॉर अस।
हमारे लिए वो 1000 की टी शर्ट हमारे लिए 1000 वो कॉस्ट है। क्लियर? इसकी मैं एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। मिस्टर एक्स शॉपिंग मॉल में गए, उन्होंने एक शर्ट बाय किया। कितने का शर्ट बाय किया? 1500 का। सेल्स के मौसम में गए, 1500 का एकदम बढ़िया शर्ट मिला। तो ही बाय द शर्ट फॉर रुपीज 1500। नाउ दिस 1500 इज एन एक्सपेंस और आई कैन से कॉस्ट फॉर मिस्टर एक्स एंड द प्रोडक्ट इज शर्ट। दिस कंप्लीट्स द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट विच रीड्स दैट इट इज एन एक्सपेंस एट्रीब्यूटेबल टू एन आर्टिकल प्रोडक्ट और एक्टिविटी। समझ आया? तो मैंने सिर्फ अभी इस वर्ड को कवर किया है कि हमारी कॉस्ट क्या चीज है, कॉस्ट का मीनिंग क्या है। आप लोग नए हैं, आपने ये वर्ड कॉस्ट बहुत बार सुना होगा, राइट? लेकिन अब इसकी इंपॉर्टेंस किस तरह से है आपको वो समझनी है, ठीक है? अभी बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाया कि कॉस्ट का मीनिंग क्या है। अब ये कॉस्ट, अगर मैं बिजनेसमैन की बात करूं, अगर मैं किसी बड़े ब्रांड की बात करूं, मैं बात करता हूं ब्लैकबेरी की, ब्लैकबेरी की टी शर्ट्स आती हैं, तो आप पूछोगे कि सर ब्लैकबेरी के लिए क्या कॉस्ट होगी, राइट? ब्लैकबेरी ने अगर अपनी 1500 की कॉस्ट निकाली है, टी शर्ट की एमआरपी निकाली है, तो वो उस तक कैसे पहुंचा? क्या ब्लैकबेरी ने भी कुछ खर्चे किए? बिल्कुल किए हैं, बिना खर्चों के तो वो टी शर्ट बना ही नहीं सकता। आप अपने आप को इमेजिन कीजिए, आप एक बहुत बड़ी सारी फैक्ट्री बना रहे हैं टी शर्ट्स की, आप ब्लैकबेरी के मालिक हैं, राइट? आपने टी शर्ट्स बनानी है, तो क्या उसके लिए आपको सामान नहीं चाहिए? टी शर्ट्स बनाने के लिए आपको कपड़ा नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर, कैसे नहीं चाहिए? बिना कपड़े के हम टी शर्ट कैसे बना लेंगे? टी शर्ट बनाने के लिए आपको लेबर नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर, लेबर कैसे नहीं चाहिए? अकेली मशीन से तो कुछ नहीं होगा। टी शर्ट्स बनानी है, उसके लिए आपको ऑफिस भी चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर, हम बैठेंगे कहाँ पर? बारिश आ गई, हमारा तो सब कुछ नुकसान हो जाएगा। हमें छत भी चाहिए, सामान रखने के लिए हमें गोडाउन भी चाहिए। हम ओपन में तो सामान रख नहीं सकते, एक बारिश आई सब कुछ साफ। तो इस फाइनल प्रोडक्ट जो कि हमारा टी शर्ट है, उस तक पहुंचने के लिए ब्लैकबेरी ने बहुत सारे खर्चे किए। पहले उसने क्लॉथ परचेज किया, उसने लेबर हायर की, उसने अपना ऑफिस बनाया, गोडाउन भी बनाया, और एन नंबर ऑफ थिंग्स की उसने। रॉ मटेरियल सिर्फ क्लॉथ नहीं लग रहा, बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं, बटन लग रहा है, हमें मशीनरी भी चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी भी चाहिए, हमें लैंड भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए हमें, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। आप घर में रहते हो, आप घर में, आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप सर्वाइव नहीं कर सकते आज के टाइम में। सबसे पहले तो आपको लैंड चाहिए, लैंड के ऊपर बिल्डिंग चाहिए, छत चाहिए रहने के लिए, राइट? फिर आपको टीवी भी चाहिए, आपको कंप्यूटर भी चाहिए, आपको इंटरनेट भी चाहिए, सब चीज़ों पे खर्चा होगा भाई। इसी तरह से ब्लैकबेरी की ये टी शर्ट बनाने में इसके बहुत सारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो सब एक्सपेंसेस को हम क्या कह रहे हैं? कॉस्ट। जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो क्लॉथ परचेज कर रहा है उसकी कॉस्ट है, लेबर हायर कर रहा है उसको सैलरी पे कर रहा है, कॉस्ट है, वो सीए को हायर कर रहा है, सीए को प्रोफेशनल फीस दे रहा है, वो भी एक कॉस्ट है ब्लैकबेरी की। एक टी शर्ट बनाने के लिए बहुत सारी कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, राइट? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो ये सब क्या है? कॉस्ट है। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसकी कॉस्ट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसका रॉ मटेरियल है जिससे टी शर्ट बननी है, जैसे कि क्लॉथ, बटन, उसके एसेट्स हैं, उसका लेबर हायरिंग है, प्रोफेशनल्स की हायरिंग है, गोडाउन का रेंट पे करना है उसने अपना फिनिश्ड माल रखने के लिए, नहीं तो एक बारिश आएगी, तूफान आया, सब साफ,
नुकसान, तो ये सब क्या है, कॉस्ट है, राइट। तो कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट इज एन एक्सपेंस एट्रिब्यूटेबल टू एन आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी, क्लियर। अब दूसरी टर्म मेरे पास आती है इसके बाद, मैं यही बात कर रहा था कि ब्लैकबेरी ये 1500 तक कैसे पहुंचा, उसने कैसे ये आइडेंटिफाई किया कि मेरी एक टी शर्ट की जो एमआरपी है वो 1500 होनी चाहिए, 15000 क्यों नहीं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस टू आइडेंटिफाई वेरियस कॉस्ट। प्रोसेस कैसे, एक टी शर्ट बनाने के लिए वो आइडेंटिफाई करेगा, उसके पास वेरियस प्रोसेस होंगे, वो आइडेंटिफाई करेगा एक टी शर्ट बनाने के लिए मेरा मटेरियल कितने का लगा है, 100 रुपये का मटेरियल लगा है, मेरी लेबर कितने की लगी है, मेरी 500 रुपये की लेबर लगी है, मेरे ओवरहेड एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस कितने के हुए मेरे, मैं कहता हूँ 400 रुपये के और एक्सपेंसेस हो गए, टोटल वो कहता है 1000 रुपये का खर्चा हुआ मेरा एक टी शर्ट बनाने में, ठीक है, 1000 रुपये का खर्चा हुआ। अब अगर हम कोई बिजनेस चला रहे हैं तो हमें प्रॉफिट भी तो कमाना है, हमें प्रॉफिट भी तो कमाना है, 1000 रुपये का तो सिर्फ हमारा एक्सपेंस एक्सपेंस है, अगर हमने 1000 रुपये उसकी एमआरपी रख दी तो हम तो मुश्किल से अपना एक्सपेंस कवर करेंगे, सिर्फ कमाई तो कुछ नहीं हुई, 1000 रुपया लगाया, 1000 रुपये आ गया जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। वो कहता है जी मैं इसमें प्रॉफिट ऐड कर रहा हूँ अपना 50%, 500 रुपये मेरा प्रॉफिट, एमआरपी 1500 रुपये, इस तरह से वो एमआरपी पे पहुंचता है। ये जो प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का वेरियस कॉस्ट को, वेरियस कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं कॉस्टिंग, उसको हम बोलते हैं कॉस्टिंग। पहले कॉस्ट की, कॉस्ट क्या है, इट इज एन एक्सपेंस एट्रिब्यूटेबल, खर्चा है। अब एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए हम डिफरेंट खर्चे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या टोटल हम खर्चे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, कुछ प्रोसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारे किस चीज पे कितना खर्चा हो रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉस्टिंग, राइट। मैं आपको कॉस्टिंग की डेफिनेशन दिखाता हूं। इट इज अ टेक्निक एंड प्रोसेस फॉर एसर्टनिंग द कॉस्ट, हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा कितना खर्चा हो रहा है। जैसे मैंने यहां पे बताया आपको कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि एक टी शर्ट बनाने में हमारा मटेरियल कितना खर्च हो रहा है, लेबर कितनी खर्च हो रही है, अदर एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, हमें प्रॉफिट कितना कमाना है, ये सब चीज़ों के डेफिनेट प्रोसेस हैं। इसके लिए हम पढ़ेंगे मटेरियल कॉस्टिंग, इसके लिए हम पढ़ेंगे लेबर कॉस्टिंग, इसके लिए पढ़ेंगे ओवरहेड कॉस्टिंग, और बहुत सारे कॉस्टिंग है, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, डिफरेंट स्टेजेस पे कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉस्टिंग। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हर स्टेज पे कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया जाए, रॉ मटेरियल आ रहा है वहां पे कॉस्ट आइडेंटिफाई हो, लेबर हायर कर रहे हैं वहां पे कॉस्ट आइडेंटिफाई हो, मटेरियल आगे मूव कर रहा है वहां पे आइडेंटिफाई हो कॉस्ट, मशीनरी की कॉस्ट, फिनिश गुड बन के गोडाउन में आ रहे हैं गोडाउन की कॉस्ट को भी हमने कंसीडर करना है, क्योंकि गोडाउन का भी हो सकता है हम रेंट पे कर रहे हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि फिनिश गुड रखने के लिए आपके पास अपना बहुत बड़ा गोडाउन होगा, नॉर्मली जो बिग फैक्ट्रीज होती हैं दे टेक द गोडाउन ऑन रेंट, तो उसका भी रेंट पे करना है, उसकी वो भी हमारे लिए एक कॉस्ट है। तो प्रोसेस जिससे हम अपनी कॉस्ट आइडेंटिफाई करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉस्टिंग। इट इज अ टेक्निक एंड प्रोसेस फॉर एसर्टनिंग द कॉस्ट, कॉस्ट या एक्सपेंस जिसको हम अदर नाम देते हैं, राइट।
क्लियर है इतना। इसके बाद हमारे पास एक और टर्म आती है, अब हमारे पास एक मुद्दे की टर्म आ रही है, अब टर्म आ रही है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? आपने सबसे पहले देखा कॉस्ट क्या है, खर्चा, आपने देखा मेरा क्या खर्चा है, उसके बाद आपने कॉस्टिंग की, आपने अलग अलग तरह के खर्चे आइडेंटिफाई किए। चलो भैया बड़ी अच्छी बात है, आपने आइडेंटिफाई कर लिए कि मेरा मटेरियल इतना लगना है, लेबर इतना लगना है, ठीक है। अब उन खर्चों को कहीं पे लिखोगे तो भी अपने दिमाग में कितने खर्चे रख लोगे? एक टी शर्ट बनाने में 100 तरह के खर्चे होंगे, क्या 100 तरह के खर्चे आप अपनी मेमोरी में रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। आपको कहीं ना कहीं जो आपके एक्सपेंसेस हैं, आपकी कॉस्ट है, उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। और इस रिकॉर्डिंग को हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। मैंने आपको पहले ही कहा था, आपको प्लस वन में अकाउंटिंग की डेफिनेशन अच्छी तरह से घोल के पिलाई जाती है। अकाउंटिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ टू द हायर लेवल। कलेक्ट करना है डेटा, उसको रिकॉर्ड करना है, उसको क्लासिफाई करना है, उसको समराइज करना है, उसको प्रेजेंट करना है, दिस इज अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो वेरियस कॉस्ट एलिमेंट्स को, वेरियस तरह की हमारी अपनी कॉस्ट को हमने आइडेंटिफाई करना है और उसको रिकॉर्ड करना है, ताकि किसी भी चीज में हमसे गलती ना हो। अगर आप कहो कि मैं 100 तरह की कॉस्ट को मैं अपने माइंड में रिकॉर्ड कर लूंगा, वो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आप सोच के चलिए। लेकिन आप कहोगे सर हम सीए का इतना सिलेबस दिमाग में कैसे रखेंगे? अगर आप कह रहे हो कि हम इतनी सी कॉस्ट नहीं अपने माइंड में रख सकते, तो हम सीए का इतना सिलेबस हम कैसे अपने माइंड में रखेंगे? बेटा बड़ा आसान तरीका है उसका, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट्स बहुत लिमिटेड हैं, कॉन्सेप्ट समझ लो, आपके दिमाग में अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी, अपने आप वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, तीन बार पढ़ोगे, अपने आप दिमाग में आ जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक फैक्ट्री के कॉस्ट की बात करूँ, तो वो सिर्फ इतनी सी चीज़ों में सीमित नहीं है। दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दिस मच थिंग्स, देयर आर थाउजेंड टाइप ऑफ कॉस्ट। आप किसी टाइम अपने आसपास किसी फैक्ट्री में जाके देखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, आप पागल हो जाएंगे। उनकी उनके कॉस्ट रिकॉर्ड्स अगर आप देखें, अगर उनकी आप कॉस्टिंग देखें, उनके प्रोसेस देखें, उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई किया है, उनके कॉस्ट रिकॉर्ड्स देखें, तो आप 10 मिनट के अंदर चाय पी के आप उठ के आ जाएंगे वहां से। तभी इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तभी मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, बिल्कुल स्क्रैच से, ये मान के कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का कुछ भी नहीं पता, यू आर एब्सोल्युटली फ्रेश टू दिस थिंग। तभी मैंने आपको पहले बताया कि कॉस्ट क्या चीज़ है, फिर बताया कॉस्टिंग क्या चीज़ है लिंक करके, फिर बताया कॉस्ट अकाउंटिंग क्या चीज है, जब रिकॉर्ड करेंगे हम अपनी कॉस्ट को, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। तो मैं आपको दिखा भी देता हूं इसकी कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। अकाउंटिंग क्या है? डेटा कलेक्ट करना है कॉस्ट के बारे में, रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है डिफरेंट चीजों में कि मटेरियल कॉस्ट क्या है, लेबर क्या है, ओवरहेड क्या है, उसको समराइज करना है, राइट। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्रेपरेशन ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट फॉर एसर्टनिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट। किसी भी बिजनेस का एक मेन एम होता है अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना। उससे क्या होगा? कॉस्ट मिनिमाइज होगी तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, राइट। कॉस्ट मिनिमाइज का क्या मतलब है? आप एक मटेरियल
ए यूज कर रहे हैं, उसके मार्केट में दो सप्लायर हैं एक्स और वाई, ये आपके क्या है सप्लायर्स हैं। एक्स जो है वो मटेरियल ए 1000 रुपीस का दे रहा है और जो मटेरियल वाई है वो 1050 रुपीस का दे रहा है। मटेरियल वाई आपका बड़ा अच्छा दोस्त है लेकिन वो प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहा है। अब अगर आप सोचो कि यार वाई मेरा दोस्त है वो बुरा मान जाएगा, मुझे 50 रुपए से क्या फर्क पड़ता है, आप इसके पास जाओ इसको बोल दो कि यार मेरे को इतना मटेरियल दे दे। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए ये 50 रुपए का मायने बहुत ज्यादा है। अगर अल्टीमेटली आप उसकी कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट कहीं के कहीं जाकर बैठेगी। ये 50 रुपए बाद में आपका हजारों का नुकसान करवा सकते हैं। तो बिजनेस में कभी भी दोस्ती नहीं चलेगी। यू ऑलवेज हैव टू सी वेयर वी कैन कट डाउन ऑन आर कॉस्ट। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? कॉस्ट कंट्रोल का क्या मतलब है? ये जो मैंने आपको बताया कि 1050 और एक, इसको मैं बोलता हूं कॉस्ट रिडक्शन, कि अगर मेरे को दूसरी तरफ से वो अवेलेबल है तो आई कैन रिड्यूस माई कॉस्ट बाय 50 रुपीज। कॉस्ट कंट्रोल का क्या बात है? कॉस्ट कंट्रोल किसको बोलते हैं? अपनी वेस्टफुल कॉस्ट को कंट्रोल करना। आपके अंदर फैक्ट्री में टी शर्ट्स बन रही हैं, आपने उसके लिए क्या किया 10 किलो क्लॉथ इश्यू कर दिया, उसमें से क्या हुआ आपके पास कोई कंट्रोल, कोई चेक नहीं है अंदर। अंदर 10 किलो क्या, उसका 10 किलो का कितना बना कितना नहीं बना, उस आपके पास कोई हिसाब ही नहीं है उस चीज का, राइट? तो क्या हुआ 5 किलो तो यूज कर लिया और 5 किलो वेस्ट कर दिया आपके वर्कर्स ने। यस दे एक्चुअली डू दिस इज, दीज आर द प्रैक्टिकल सिचुएशंस। उन्होंने क्या किया 5 किलो वेस्ट कर दिया, आपको नहीं पता, दूसरे दिन आए सर 10 किलो और चाहिए, आपने उठा के 10 किलो और इशू कर दिया, उसमें से फिर 8 किलो यूज किया 2 किलो वेस्ट कर दिया। यार आपने देखा कि मैं इशू तो करता जा रहा हूं लेकिन मुझे ये हिसाब नहीं पता चल रहा कि ये 10 किलो एक्चुअल में यूज हो भी रहा है या नहीं हो रहा। आपके दिमाग में बात खड़की, आपने क्या किया जहां पे ये मटेरियल यूज हो रहा था आपने वहां पे सीसीटीवी कैमरास लगवा दिए। आपने क्या किया, आपने इन सब चीजों की प्रॉपर रिकॉर्डिंग के लिए ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंट करवाया। व्हाट इज ईआरपी सिस्टम? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यूज ऑफ सॉफ्टवेयर्स। आईटी में पढ़ेंगे आप, राइट? इससे क्या हुआ, इससे आपकी ये वेस्टेज कम हो गई। वेस्टेज कम होगी तो आपकी कॉस्ट भी कम होगी। ऑब्वियसली वेस्टेज कम होगी तो कॉस्ट अपने आप कम होगी। तो दिस इज कॉस्ट कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट सो दैट कॉस्ट कैन बी मिनिमाइज्ड एंड प्रॉफिट्स कैन बी मैक्सिमाइज्ड। दिस इज द मेन एम इन कॉस्ट अकाउंटिंग, कि हमें कॉस्ट को कम करना है, अपने खर्चों को कम करना है, राइट? और हमारी प्रॉफिट्स को बढ़ाना है। आप देखो, आप अगर शॉपिंग करने जाते हो, एक चीज बड़ी कॉमन है, आप शॉपिंग करने गए आप हमेशा 2-3 ब्रांड्स का चेक करते हो, अच्छे ब्रांड्स का। इफ यू आर ब्रांड कॉन्शियस आप अच्छे ब्रांड्स का चेक करते हो, ब्लैकबेरी के क्या रेट्स चल रहे हैं, रेमंड के क्या रेट्स चल रहे हैं, एलपी के क्या रेट्स चल रहे हैं, राइट? आपकी कोशिश क्या होती है, मेरे को अच्छी क्वालिटी मिल जाए लेकिन कम प्राइस में। अगर एक टी शर्ट सिमिलर क्वालिटी आपको ब्लैकबेरी में 1500 की मिल रही है और एलपी में आपको 1200 की मिल रही है, सिमिलर क्वालिटी, तो आप डेफिनेटली 1200 के लिए जाओगे, आप 1500 क्यों खर्च करोगे? दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। आप अपनी कॉस्ट को क्या कर रहे हो, कम करने की कोशिश कर रहे हो। वही बिजनेस ने करना है,
अगर उसको कोई मटेरियल एक जगह से 1,000 रुपये का मिल रहा है और दूसरी जगह से 1,050 का मिल रहा है, चाहे वो उसका रिश्तेदार हो चाहे उसका अच्छे से अच्छा दोस्त हो, उसको 1,050 का लेना ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो कॉस्ट जब आप बल्क में प्रोड्यूस करोगे वो कॉस्ट आपको हजारों लाखों में जाके नुकसान करवाएगी, जिससे कि आपका प्रॉफिट उतना कम हो जाएगा। राइट, समझ आ रही है? तो ये थी कॉस्ट अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग द कॉस्ट। रिकॉर्ड किस लिए करनी है? ताकि हम कॉस्ट की रिडक्शन कर सके, हमें पता हो कि पीरियोडिकली कि इस पीरियड में हमारी कॉस्ट क्या थी, उसके बाद अगर कुछ मेथड्स चेंज किए हमने कॉस्ट रिडक्शन के लिए तो उसके बाद हमें क्या उसका इफेक्ट मिला। राइट, इसके बाद एक और टर्म आती है, इसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है कॉस्ट अकाउंटेंसी। बहुत माइनर डिफरेंस है कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी में, बट डिफरेंस है। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। एप्लीकेशन से मतलब क्या है? प्रॉपर स्टेटमेंट्स बननी चाहिए। प्रॉपर स्टेटमेंट्स क्यों बननी चाहिए? क्योंकि हमें रिपोर्टिंग करनी है टॉप मैनेजमेंट को। टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करने के लिए हम प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करेंगे, कॉस्टिंग करेंगे, हम प्रॉपर रिकॉर्डिंग करेंगे, दैट मींस कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे। इससे जो हमारी स्टेटमेंट्स बनेंगी फॉर रिपोर्टिंग टू टॉप मैनेजमेंट, दैट इज द प्रोसेस नोन एज कॉस्ट अकाउंटेंसी। सी, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन डिराइव्ड। आपने प्रोसेस आइडेंटिफाई किए, उनको रिकॉर्ड किया कॉस्ट अकाउंटिंग की, उसको एक प्रॉपरली प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना है फॉर मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग, जिससे हम एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकाल पाए। डाटा ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमें क्लियरली पता चले कि हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, हमारी कॉस्ट कम हो रही है, हमें क्या चेंजेस करने हैं, हम डिसीजन मेकिंग लेना इजी हो। ये नहीं होना चाहिए कि एक एलिमेंट कॉस्ट का एक पेज पे पड़ा, दूसरा एलिमेंट 50वें पेज पे पड़ा, फिर तो वो टॉप मैनेजमेंट में जो बैठा है वो बंदा पागल हो जाएगा। राइट, सो व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फॉर मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग, फॉर इफेक्टिव मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग। राइट फ्रेंड्स, सो ये कुछ टर्म्स थी कॉस्ट के रिकॉर्डिंग। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू किया था, कॉस्ट अकाउंटिंग से मैंने आपको कॉस्ट समझाया, कॉस्ट से मैंने आपको समझाया कॉस्टिंग। राइट, हमने बात की कॉस्टिंग की, कॉस्टिंग से मैंने आपको समझाया कॉस्ट अकाउंटिंग। सब कुछ इंटर रिलेटेड है, आपने देखा सब इंटर रिलेटेड है। पहले कॉस्ट होगी, कॉस्ट होगी तो कॉस्टिंग हो पाएगी, कॉस्टिंग होगी तो कॉस्ट अकाउंटिंग हो पाएगी, तभी रिकॉर्ड कर पाओगे। अगर आपको प्रोसेस पता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर अपनी कॉस्ट को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाओगे तभी तो रिकॉर्ड कर पाओगे, अगर रिकॉर्ड करोगे तभी तो प्रेजेंट कर पाओगे। कॉस्ट अकाउंटिंग होगी तभी तो हम कॉस्ट अकाउंटेंसी कर पाएंगे। कॉस्ट अकाउंटेंसी हम किस लिए कर रहे हैं? फॉर डिसीजन मेकिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेन एम क्या है? अगर मैं मेन एम की बात करूं
आपको अब तक समझ आ गया होगा कि मेन एम क्या है। पहली बात, आइडेंटिफाई करो अपनी कॉस्ट को। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि हमारे खर्चे क्या हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई करो मेथड्स टू कंट्रोल एंड रिड्यूस कॉस्ट, राइट। अगर मैं बिल्कुल मोटी मोटी बात करूं तो ये हमारे मेन एम है। पहले तो कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है, हमारे क्या खर्चे हैं हमारे बिजनेस के, कोई वेस्टफुल खर्चा तो नहीं हो रहा उसमें से, राइट। उसके बाद हमें, अगर वेस्टफुल खर्चा हो रहा है तो उसके लिए हमें मेथड्स आइडेंटिफाई करने हैं जिससे हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें, जिससे हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकें। कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट कम करने से क्या होगा, हमारे प्रॉफिट्स विल इंक्रीज। यही एक बिजनेस का मेन एम है। मेन एम ही किसी बिजनेस का होता है कि प्रॉफिट्स कमाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने हैं। उसके लिए ये एक कॉस्ट कंट्रोल जो है, कॉस्ट रिडक्शन जो है, ये एक बहुत बड़ा पार्ट खेलती है। दिस इज वन ऑफ द मेजर एलिमेंट्स ऑफ प्रॉफिट। आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने हैं, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना सीखिए। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी दे रहे हैं, आपको मंथ की 1,000 रुपये पॉकेट मनी मिली और उन्होंने कहा कि जितना इसमें से बचेगा वो नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपका। इसमें से आपने 500 का खर्चा किया, राइट, तो नेक्स्ट मंथ 1,000 मिलेंगे तो आपके पास कितने होंगे, 1,500। तो आपकी कोशिश क्या होगी, आपकी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हर महीने बचाऊँ। वो बचाना जो है वो आपकी प्रॉफिट है। आपकी कोशिश क्या होगी, मैं अपने खर्चे कम से कम करूं, जहां सिर्फ ज़रूरत है मैं सिर्फ वहीं पे खर्चा करूं और ज़्यादा से ज़्यादा मनी मैं सेव करके अपने नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड करूं। दैट इज़ द मेन एम ऑफ बिजनेस। अपनी कॉस्ट, अपने खर्चे कम करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाए जाएं। सी, अगर प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे तो एक ऑटोमेटिक मोटिवेशन होगी बिजनेस करने की, राइट। आप अपने वर्कर्स को भी खुश रख पाएंगे, वो भी मोटिवेटेड रहेंगे और ज़्यादा काम करने के लिए, उससे आपके और प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। सो इट इज़ बेसिकली अ चेन, राइट। सो मेन एम क्या है किसी बिजनेस का, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने हैं कम से कम कॉस्ट में। अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना है, अपनी कॉस्ट को कम करना है, उससे अपने आप प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका क्या काम है, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने किसी भी बिजनेस में जाकर आपने यही देखना है कि उनकी जो कॉस्ट पॉलिसीज हैं, जो वो खर्चे कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वेस्टफुल तो नहीं कर रहे। जैसे मैंने यहाँ पे फ्रेंड का एग्जाम्पल दिया, ये तो नहीं हो रहा कि वो अपने फ्रेंड के चक्कर में 50 रुपये एक्स्ट्रा खर्च रहे हैं, कि 50 रुपये से क्या फर्क पड़ता है। ये चीज़ आपको बतानी है कि अगर आप अभी 50 रुपये का इग्नोर करोगे कि 50 रुपये से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, अल्टीमेटली जब आप बल्क में परचेज करोगे तो आपकी कॉस्ट हज़ारों लाखों में आपको इफेक्ट करेगी, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट, जो मैंने आज बात की है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस थी कुछ कॉस्टिंग से रिलेटेड। अभी और भी डेफिनेशंस हैं, यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं हो रहा, बहुत लंबा है ये। तो अगर मैं बात करूँ अब नेक्स्ट लेक्चर की, नेक्स्ट लेक्चर में अब हम कुछ और टर्म्स देखेंगे रिलेटिंग टू कॉस्टिंग, सम टर्म्स रिलेटिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग आई विल से। अभी हम बेसिक्स की बात ही करेंगे, राइट। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर।